हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं जो आप लोग के सेमेस्टर के एग्जाम जो होते हैं एक्सटर्नल एग्जाम, उस एग्जाम में आप लोगों इस टॉपिक से आपको आता है। ये जो आप देख रहे हैं लिखे हैं कलर कोड ऑफ रेसिस्टर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है जो आप लोग को एग्जाम में आ सकता है, चाहे आपका कहीं का भी पॉलिटेक्निक का हो। फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में ये आप लोग को फिक्स में दिया हुआ है। देखिए कलर कोड आखिर होता क्या है, तो आप लोग को एग्जाम में इसका जो है नोट्स लिखना पड़ता है, आपको 4 नंबर या 6 नंबर में दे सकता है, या आपको क्या करेगा कि इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल दे देगा, 2 मार्क करके या 4 मार्क करके उसको आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कलर कोड ऑफ रेजिस्टर होता क्या है। तो देखिए आपका रेजिस्टर, हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टर जो होता है आपको करेंट का क्या करता है, अपोज करने का काम करता है। तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है, आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे रेजिस्टेंस। आप लोग अपने घर में रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। आप अपने घर में जो एलईडी बल्ब जो होता है उसको खोलिएगा, उसमें क्या होगा कि आपको इस तरह का किट दिखाई देगा। तो इस किट में देखेंगे तो आप लोग को एक छोटा सा एलिमेंट दिखाएगा, जो ये देखिए आप लोग को सही से दिख रहा होगा या नहीं, बहुत छोटा होता है। इस पे क्या होता है कि वैल्यू लिखना, रेजिस्टेंस कितने ओम का है उसको लिखना क्या होता है कि पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं कि उस पे कलर से इंडिकेट कर देते हैं कि इस कलर का इतना वैल्यू होगा। तो क्या करते हैं, तो और देखिए यदि इस पे हम क्या करेंगे कि इंडिकेट करेंगे, तो सभी कंट्री का क्या होता है कि लैंग्वेज अलग अलग होता है। जैसे अपने कंट्री का लैंग्वेज है हिंदी, यदि हम हिंदी में उसे एडिट करेंगे तो अदर कंट्री का लोग नहीं समझ पाएगा। एक्चुअली ये है कि हम एडिट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वह देखें आपको दिखाया अभी कितना छोटा है। इसलिए क्या करते हैं, उसको कलर से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए आपको लिखे थ्योरी कि टू मेक अ रेसिस्टर कार्बन विद सुटेबल बाइंडिंग एजेंट इज मोल्डेड इनटू अ सिलेंडर। आपको क्या होता है कि ये जो बनाया जाता है आपका रेसिस्टर, एक्चुअली आपको कार्बन का बनाया जाता है, क्योंकि ये कार्बन जो होता है आपको कॉस्ट में भी सस्ता होता है और बनाना भी इसको आसान होता है। इसको क्या करते हैं कि एक सिलेंडर के तौर पे बनाते हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इस तौर पे आपका रहता है। इसमें क्या होता है कि दोनों छोर आपका एक वायर रहता है, एक इस साइड और एक इस साइड। और इसको क्या करते हैं कि बाहरी आवरण जो होते हैं उसको सेरामिक या प्लास्टिक का क्या करते हैं, जैकेट पहना देते हैं। जैकेट कहने का मतलब ऊपर से जो आप लेप देखते हैं वो आपका क्या होता है, लेप चढ़ाया रहता है। और इस रेसिस्टर का क्या होता है कि मुख्य रूप से आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। अब देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इंडिकेटेड बाय 4 कलर बैंड। इसमें क्या होता है कि आपको जो अभी दिखाए थे रेजिस्टेंस इस तरह का जो था, इसमें आपको मुख्य रूप से 4 कलर होता है। और स्टार्टिंग का जो 2 कलर होता है आपका लेफ्ट साइड कहने का मतलब आप जब रेजिस्टेंस को देखेंगे तो आपको एक साइड क्या होगा कि आपका नजदीक आपको कलर का लकीर खींचा होगा, और एक लास्ट साइड में क्या होगा, राइट साइड में आपको थोड़ी दूरी पर एक कलर दिखाई देगा। तो इसमें ये 2 कलर जो होता है आपको ये इंडिकेट करता है आपको सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये जो बीच वाला जो है 3rd वो आपको इंडिकेट करता है डेसिमल मल्टीप्लायर, और ये थर्ड लास्ट जो है लास्ट आपका टॉलरेंस इंडिकेट करता है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कहने का मतलब कि देखिए ये जो आपका इधर से हम राइट से इधर चलेंगे, ये जो आपका पहला लकीर, इसमें जो 2 लकीर है सिग्निफिकेंट डिजिट का, ये पहला लकीर राइट साइड से, ये आपको क्या करेगा कि यूनिट आपको बताएगा, मतलब इकाई स्थान बताएगा। ये दूसरा जो डिजिट बोलते हैं ये दूसरा लकीर जो है आपका, वह क्या करेगा आपको 10 यूनिट दिखाता है, यानी दहाई दिखाता है। और यहाँ डेसिमल मल्टीप्लायर करने का मतलब आपको 10 के पावर करके दिखाएगा, 10 के पावर 5 है। तो किस कलर का जो है डेसिमल मल्टीप्लायर 10 के पावर 5 है। और टॉलरेंस करने का मतलब कि आपका रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू कितना वैरी करते रहता है, 5%, 10%, 4%, कितना रेजिस्टेंस वैरी करता है। तो अब है कि हम कलर को आखिर याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए हम आप लोग के लिए एक ट्रिक लेके आए हैं।
बीबी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो यहां देखिए, यहां आपका जो पहला बी जो दिखा रहा है, ये पहला बी कहने का मतलब आपका है ब्लैक, इस बी कहने का मतलब है ब्राउन, आर का रेड, ओ का ऑरेंज, वाई का येलो, और यहाँ हैज का कोई मतलब नहीं है। ये सेंटेंस बनाने के लिए हैज यहाँ ले लिए हैं। और ग्रेट में ये आपका जी जो है ये आपको ग्रीन इंडिकेट करेगा, ब्रिटेन में ये जो है आपका ब्लू इंडिकेट करेगा, और ये भी जो है ये वायलेट यानी बैंगनी कलर आपको इंडिकेट करता है, और ये जी जो है आपका गोल, ये आपका जी जो होगा आपका ग्रे कलर इंडिकेट करेगा, और डब्ल्यू यानी वाइफ जो है, वाइफ में डब्ल्यू जो है ये आपको व्हाइट कलर इंडिकेट करता है। और इसके बाद दो कलर और आता है जो आपका गोल्ड और सिल्वर होता है। तो ये था आप लोग का कलर कोड, इसका नोट्स आप लोग इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार एक आप लोग। इस पे आपको यानी कि सभी कलर का डेसिमल और सिग्निफिकेंट मल्टीप्लायर आपको हम ग्राफ बना करके दिखाते हैं, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए ये जो है आप लोग नोट्स खुद अपने कॉपी में कर लेंगे, ताकि क्या होगा कि जब एग्जाम आएगा तो आप लोग को एग्जाम में आसानी से क्या करेंगे बना पाएंगे, और इसको क्या करेंगे अपने से खुद लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि क्या होगा कि आप लोग को प्रैक्टिस बना रहेगा। एग्जाम में खुद का प्रैक्टिस ही काम आता है, कोई भी टीचर कैसा भी नोट्स दे दे कोई फायदा नहीं होगा जब तक क्या करेंगे खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखिए, और इस पे आपको न्यूमेरिकल भी अभी हम बताएंगे। पहला था आपका सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको हम पहले क्या करेंगे कलर लिख लेते हैं, कौन कौन सा कलर है कलर, इसके बाद सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट, इसके बाद आपका है क्या है आपका डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर, और इसके बाद आपका लास्ट जो है टॉलरेंस था। तो देखिए यहां आपका पहला जो है बीबी वाई जो था, आपको बताए थे कि पहला जो था आपका ब्लैक, पहला देखिए पहला होगा आपका ब्लैक, ब्लैक है, दूसरा आपका ब्लू सॉरी ब्राउन, ब्राउन है, इसके बाद रेड, थर्ड रेड हो गया, आर के बाद ओ ऑरेंज, फाइव जो है आपका ओ के बाद है व्हाइट यानी येलो, फाइव सिक्स जो है आपका सिक्स क्या है वाई के बाद हैज का कोई मतलब नहीं था, जी का मतलब ग्रीन, सात नंबर आपका है ग्रीन के बाद ब्रिटेन मतलब ब्लू, ब्लू के बाद है आपका वेरी गुड वाइफ था ना, तो भी का मतलब आठ नंबर, भी का मतलब वॉयलेट, और आठ नंबर जो है आपका गुड, गुड का मतलब ग्रे, जिसे ग्रे होगा ग्रे, और वाइफ, वाइफ में जो आपका डब्ल्यू जो है आपका व्हाइट कलर बताता है, नाइन हो गया आपका व्हाइट, और इसके बाद होता है आपका सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड 11 हो गया आपका सिल्वर, और 12 आपका नन, आपका नन मतलब नन में अदर कलर लिख दीजिए,
अदर कलर। अब इसके बाद जो आपका कलर गुड वाइफ जो लिखे थे, यहां से देखिए तो ब्लैक का जो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, इसके बाद ग्रे का है, ग्रे का 8, व्हाइट का 9, गोल्ड का आपका होता है -1, सिल्वर का -2, और इसके बाद अदर कलर जो होता है उसका सिग्निफिकेंट डिजिट कुछ नहीं होता है। देखिए आप लोग का जो भी आएगा इतना से ही न्यूमेरिकल में आता है। इसके बाद आपका डेसिमल मल्टीप्लायर, तो डेसिमल मल्टीप्लायर में देखिए जो आपका यहाँ जो 0 है, ये आपका जो 0 है तो यहाँ 10^0 कर देंगे, 1 है तो 10^1, 2 है तो 10^2, और इसी प्रकार आपका जो है जो यहाँ लिखे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट वही आपका होता है 10^ में आ जाता है। इसके बाद आपका टोलरेंस, तो टोलरेंस में जो होता है आपका सिर्फ गोल्ड और सिल्वर का क्या होता है कि भारी करता है, जो गोल्ड का लेंगे -5%, सिल्वर का 10%, और आपका जो अदर कलर रहेगा उसका क्या होता है टोलरेंस 20% होता है, +-20%। तो देखिए अब क्या होगा, इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आएगा, तो हम उस न्यूमेरिकल को कैसे बनाएंगे, तो आप लोग पहले इसको क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे आप लोग का न्यूमेरिकल देते हैं और बताते हैं कि कैसे यानी कि उसको न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे। देखिए आपका यहाँ न्यूमेरिकल लेते हैं एक, आप खुद से क्या करेंगे कि यानी कि न्यूमेरिकल बना सकते हैं। आप अपने घर में जो भी रेजिस्टेंस होंगे, आप अपने बल्ब का, चाहे आपका रेडियो जो खराब हुआ होगा उसमें से आप अपना रेजिस्टेंस निकाल देंगे, और उस रेजिस्टेंस का क्या करेंगे कि वैल्यू खुद से निकाल सकते हैं कि उस रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है कितना होगा। तो देखिए एक आपका न्यूमेरिकल ये है, ये है आपका एक रेजिस्टर, यहाँ आपका कलर दिया हुआ है, ये आपका जो है गोल्ड है, गोल्ड, ये आपका है येलो, येलो, इसके बाद है आपका ब्राउन, और यहां आपका है ब्लू। इस तरह से क्या है कि आपका 4 कलर दिया हुआ है, और आपका बोलेगा कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो आपका रेजिस्टर जो होगा आपका R, R बराबर क्या होगा ये आपको निकालना है। तो देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं, अब आपको बताए थे कि पहला जो दो रहता है, ये दो लकीर जो आपको बता रहा है, दो कलर, ये आपको क्या बताता है सिग्निफिकेंट डिजिट, ये होगा आपका इकाई अंक, तो ये आपका ब्राउन, तो ब्राउन कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है ना, तो इसका क्या होगा सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा आपका 1 होगा। इसके बाद है आपका ब्लू, ये दूसरा नंबर पे, ब्लू देखिए कहाँ है, ये 7 नंबर, यानी इसका जो होता है 6 होता है सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखिए अब है येलो, ये थर्ड कलर आपका बताता है कि यानी कि डेसिमल मल्टीप्लायर क्या होगा। यहां से देखिए येलो, येलो कितने नंबर पर है, यहाँ 5 नंबर पर है, तो यहाँ आपका क्या था सिग्निफिकेंट डिजिट 4 था, तो इसका क्या होगा 10^4, तो इसका जो वैल्यू होगा येलो का 10^4 हो जाएगा, ये होगा इसका 10^4। और यहाँ आपका गोल्ड है, तो गोल्ड का, गोल्ड आपका टोलरेंस बताएगा, ये लास्ट जो कलर है, तो गोल्ड का बताए थे कि +-5% वैरी करता है। तो अब इसको हम यानी कि रेजिस्टेंस कितना होगा कैसे लिखेंगे, यहाँ कितना हो गया आपका, यहाँ रेजिस्टेंस लिखेंगे आर बराबर जो आपका हो जाएगा 61 × 10^4 ± 5% आपका क्या होगा, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा किलो ओम में, किलो ओम में दिया रहेगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि खुद से यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक और देखिए, एक दूसरा और देख लीजिए कैसे बनाते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ आपका सिल्वर दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ जो है ब्लू कलर है, यहाँ आपका ले लीजिए वायलेट कलर है, और ये जो है आपका ग्रे कलर है। अब इसका बोल रहा है कि आप रेजिस्टेंस निकाल के बताइए कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस वाला क्या लिखेंगे, और यहाँ देखिए यहाँ जो है यूनिट पर, यानी कि वायलेट जो है, वायलेट का सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होता है, वायलेट देखिए कितना नंबर पे है, 8 है, मतलब इसका जो होता है सिग्निफिकेंट डिजिट 7 नंबर होगा, 0 से स्टार्ट किए थे ना, इसका 7 था, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आपका 7 हो जाएगा। यहाँ आपका ग्रे, ग्रे देखिए कहाँ है, ग्रे आपका यहाँ इसका 8 था ना सिग्निफिकेंट डिजिट, ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका 8 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 × 7 × 10^ ब्लू, ब्लू कितना नंबर पे था, देखिए ब्लू आपका इसका जो होता है 6 होता है, ये हो जाएगा आपका 10^6 ±
और यहाँ का सिल्वर, सिल्वर का कितना होता है टॉलरेंस, आपको बताए थे यहाँ लिखे थे कि इसका जो होता है प्लस माइनस 10% होता है, ये आपका किलो ओम, किलो ओम में हो सकता है, ओम में भी दिया जाएगा। तो ये देखिए आपको किलो ओम में आएगा, क्योंकि जब यहां देखेंगे 10 के पावर जब ही क्या होगा कि आपका 0 से ज्यादा जाएगा, तो ये आपको क्या चल जाएगा किलो ओम में चल ही जाएगा। तो ये क्या होता है कि रेजिस्टेंस का यहाँ यूनिट किलो ओम और ओम भी हो सकता है। तो यहां देखेंगे आप यहाँ खुद से देख लेंगे किस में जा रहा है, 10 के पावर 6 में जा रहा है, मतलब ये क्या होगा आपको किलो ओम में धर ले लेंगे। अब देखिए अब आप लोग के लिए एक दो न्यूमेरिकल देंगे, जिसको क्या करना है कि आप लोग खुद से बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि उसका आंसर जो है कितना होगा। यहां देखिए इस येलो को क्या कर देते हैं, यहां कलर चेंज कर देते हैं, येलो की जगह आप यहां लिख लीजिए ग्रीन, यहां आपका ग्रीन है, और यहां गोल्ड की जगह दे देते हैं आपका सिल्वर, यह आपका सिल्वर है। अब इसको क्या करना है आपको रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहां देखिए यहां क्या करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं, यह आपका पहला है HW में, HW में यह आपका है, और यह आपका दूसरा हो गया। इसको क्या करना है आपको सोल्व करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। देखिए यह आपका जो है ये कलर आपका बता रहा है वायलेट, ये आपका वायलेट है, ये आपका दूसरा ले लीजिए ग्रे, ग्रे है, और इसके बाद आप एक कलर ले लीजिए जिसमें से व्हाइट ले लेते हैं, यहाँ यहाँ आपका व्हाइट है और यहाँ आपका गोल्ड है। तो अब इसका यानी कि आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा आपको फाइंड करना है। तो चलिए अब आप लोग को ये समझ गए होंगे कलर कोड ऑफ रेजिस्टर क्या होता है और किस तरह से इसका न्यूमेरिकल हम बनाते हैं। आप लोग क्या करेंगे इनका बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि कितना होगा। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग लाइक एंड शेयर, और जो पहली बार चैनल पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। गुड वाइफ जो लिखे थे यहां से देखिए, तो ब्लैक का जो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, इसके बाद ग्रे का है, ग्रे का 8, व्हाइट का 9, गोल्ड का आपका होता है -1, सिल्वर का -2, और इसके बाद अदर कलर जो होता है उसका सिग्निफिकेंट डिजिट कुछ नहीं होता है। देखिए आप लोग का जो भी आएगा इतना से ही न्यूमेरिकल में आता है। इसके बाद आपका डेसिमल मल्टीप्लायर, तो डेसिमल मल्टीप्लायर में देखिए जो आपका यहाँ जो 0 है, ये आपका जो 0 है तो यहाँ 10 के पावर 0 कर देंगे, 1 है तो 10 के पावर 1, 2 है तो 10 के पावर 2, और इसी प्रकार आपका जो है जो यहाँ लिखे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट वही आपका होता है 10 के पावर में आ जाता है। इसके बाद आपका टॉलरेंस, तो टॉलरेंस में जो होता है आपका सिर्फ गोल्ड और सिल्वर का क्या होता है कि वैरी करता है, जो गोल्ड का लेंगे -5%, सिल्वर का 10%, और आपका जो अदर कलर रहेगा उसका क्या होता है टॉलरेंस 20% होता है, ±20%। तो देखिए अब क्या होगा इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आएगा, तो हम उस न्यूमेरिकल को कैसे बनाएंगे। तो आप लोग पहले इसको क्या करेंगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब आगे आप लोग का न्यूमेरिकल देते हैं और बताते हैं कि कैसे यानी कि उसको न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे। देखिए आपका यहाँ न्यूमेरिकल लेते हैं एक, आप खुद से क्या करेंगे कि यानी कि न्यूमेरिकल बना सकते हैं। आप अपने घर में जो भी रेजिस्टेंस होंगे, आप अपने बल्ब का, चाहे आपका रेडियो जो खराब हुआ होगा उसमें से आप अपना रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और उस रेजिस्टेंस का क्या करेंगे कि वैल्यू खुद से निकाल सकते हैं कि उस रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है कितना होगा। तो देखिए एक आपका न्यूमेरिकल ये है, ये है आपका एक रेजिस्टर, यहाँ आपका कलर दिया हुआ है, ये आपका जो है गोल्ड है, गोल्ड, ये आपका है येलो, येलो, इसके बाद है आपका ब्राउन, और यहां आपका है ब्लू। इस तरह से क्या है कि आपका 4 कलर दिया हुआ है, और आपका बोलेगा कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो आपका रेजिस्टर जो होगा आपका R, R बराबर क्या होगा ये आपको निकालना है। तो देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं, अब आपको बताए थे कि पहला जो दो रहता है, ये दो लकीर जो आपको बता रहा है, दो कलर, ये आपको क्या बताता है सिग्निफिकेंट डिजिट, ये होगा आपका इकाई अंक, तो ये आपका ब्राउन, तो ब्राउन कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है ना, तो इसका क्या होगा सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा आपका 1 होगा,
इसके बाद है आपका ब्लू, ये दूसरा नंबर पे ब्लू देखिए कहाँ है, ये 7 नंबर, यानी इसका जो होता है 6 होता है सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखिए, अब है येलो, ये थर्ड कलर आपका बताता है कि यानी कि डेसिमल मल्टीप्लायर क्या होगा। यहाँ से देखिए येलो, येलो कितने नंबर पर है, यहाँ 5 नंबर पर है, तो यहाँ आपका क्या था सिग्निफिकेंट डिजिट 4 था, तो इसका क्या होगा 10 के पावर 4, तो इसका जो वैल्यू होगा येलो का 10 के पावर 4 हो जाएगा, ये होगा इसका 10 के पावर 4। और यहाँ आपका गोल्ड है, तो गोल्ड का, गोल्ड आपका टॉलरेंस बताएगा, ये लास्ट जो कलर है तो गोल्ड का बताए थे कि ±5% वैरी करता है। तो अब इसको हम यानी कि रेजिस्टेंस कितना होगा कैसे लिखेंगे, यहाँ कितना हो गया आपका, यहाँ रेजिस्टेंस लिखेंगे आर बराबर जो आपका हो जाएगा 61 × 10⁻¹⁵ आपका क्या होगा, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा किलो ओम में, किलो ओम में दिया रहेगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि खुद से यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक और देखिए, एक दूसरा और देख लीजिए कैसे बनाते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ आपका सिल्वर दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ जो है ब्लू कलर है, यहाँ आपका ले लीजिए वायलेट कलर है, और ये जो है आपका ग्रे कलर है। अब इसका बोल रहा है कि आप रेजिस्टेंस निकाल के बताइए कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस वाला क्या लिखेंगे, और यहाँ देखिए यहाँ जो है यूनिट पर यानी कि वायलेट जो है, वायलेट का सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होता है, वायलेट देखिए कितना नंबर पे है, 8 है, मतलब इसका जो होता है सिग्निफिकेंट डिजिट 7 नंबर होगा, 0 से स्टार्ट किए थे ना, इसका 7 था, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आपका 7 हो जाएगा। यहाँ आपका ग्रे, ग्रे देखिए कहाँ है, ग्रे आपका यहाँ इसका 8 था ना सिग्निफिकेंट डिजिट, ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका 8 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 7 × 10⁻¹ ब्लू, ब्लू कितना नंबर पे था, देखिए ब्लू आपका इसका जो होता है 6 होता है, ये हो जाएगा आपका 10⁻¹±। और यहाँ आपका सिल्वर, सिल्वर का कितना होता है टॉलरेंस, आपको बताए थे यहाँ लिखे थे कि इसका जो होता है ±10% होता है, ये आपका किलो ओम, किलो ओम में हो सकता है, ओम में भी दिया जाएगा, तो ये देखिए आपको किलो ओम में आएगा, क्योंकि जब यहाँ देखेंगे 10 के पावर जब ही क्या होगा कि आपका 0 से ज्यादा जाएगा, तो ये आपको क्या चल जाएगा किलो ओम में चल ही जाएगा। तो ये क्या होता है कि रेजिस्टेंस का यहाँ यूनिट किलो ओम और ओम भी हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ खुद से देख लेंगे किस में जा रहा है, 10 के पावर 6 में जा रहा है, मतलब ये क्या होगा आपको किलो ओम में इधर ले लेंगे। अब देखिए, अब आप लोग के लिए एक दो न्यूमेरिकल देंगे, जिसको क्या करना है कि आप लोग खुद से बना करके कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करेंगे कि उसका आंसर जो है कितना होगा। यहाँ देखिए इस येलो को क्या कर देते हैं, यहाँ कलर चेंज कर देते हैं, येलो की जगह आप यहाँ लिख लीजिए ग्रीन, यहाँ आपका ग्रीन है, और यहाँ गोल्ड की जगह दे देते हैं आपका सिल्वर, ये आपका सिल्वर है। अब इसको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं, ये आपका पहला है HW में, HW में ये आपका है, और ये आपका दूसरा हो गया। इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। देखिए ये आपका जो है, ये कलर आपका बता रहा है वायलेट, ये आपका वायलेट है, ये आपका दूसरा ले लीजिए ग्रे, ग्रे है, और इसके बाद आप एक कलर ले लीजिए जिसमें से व्हाइट ले लेते हैं, यहाँ यहाँ आपका व्हाइट है, और यहाँ आपका गोल्ड है। तो अब इसका यानी कि आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा आपको फाइंड करना है। तो चलिए अब आप लोग को ये समझ गए होंगे कलर कोड ऑफ रेजिस्टर क्या होता है और किस तरह से इसका न्यूमेरिकल हम बनाते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इनका बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि कितना होगा। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग लाइक एंड शेयर, और जो पहली बार चैनल पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।